मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर शहर में प्रांतीय कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद किसानों और पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में हार्दिक ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। हार्दिक ने कहा कि शिवराज सरकार घोटाले की सरकार है, जिसे ट्रैक्टर के गियर लगाने नहीं आते, वे किसानों के नाम पर सत्ता चला रहे हैं। भावांतर भुगतान योजना में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। अनुमानित आंकड़ों में बताया है कि प्रदेश की प्रत्येक मंडी में कम से कम 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं, हार्दिक ने नर्मदा यात्रा और व्यापम पर भी बात करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। वहीं ये भी कहा कि सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन किसानों की लगातार आत्महत्या के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर किसान पुत्र कहलाने से क्या मतलब? मेरा मानना है कितनी मंडी है, हर मंडी को 10 करोड़ से काउंट कर लो। सर, मध्य प्रदेश के अंदर अगर घोटाले की लिस्ट बनाया जाए तो पूरी बुक बने। नर्मदा नदी से लेकर भावांतर योजना तक, व्यापम से लेकर नर्मदा नदी के अंदर अवैध रीति खनन तक, सारे घोटाले ही। कितने वृक्ष पेड़ पौधे लगाने की बात हुई थी, अब ये मुझे बताओ, व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले को क्या मिनिस्टर बनाया? नहीं बनाया। लेकिन नर्मदा नदी के आसपास उसका घोटाला को उजागर करने वाले को 4 मिनिस्टर बना दिया। वही हम समझ सके कि व्यापम से कितना बड़ा घोटाला नर्मदा नदी।